हेलो भाइयों एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल में इस वीडियो के अंदर अपने आप बात करेंगे जो आज के दिन यहाँ पर टी टेन जो चल रही है उसका तीसरा मुकाबला होगा जो खेला जाएगा परा डोमिनेंटल सीसी और पराग सीसी के बीच में तो इस मैच की मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा बस आपको वीडियो जो है लास्ट तक वॉच करना है मुकाबला जो है स्टार्ट होगा यहाँ पर साढ़े बजे दोपहर के अंदर सबसे पहले भाइयों अगर आपने अब तक टेलीग्राम चैनल को जॉइन नहीं किया है तो आपको टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लेना है टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है एक तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूसरा कमेंट सेक्शन में पहले कमेंट में आपको टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो टॉप पर पिन किया हुआ मिल जाएगा तो दोनों जगह से जाकर आप बहुत आसानी के साथ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो ज्वाइन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि लास्ट मोमेंट अपडेट सारी के सारी यहीं पर आने वाली है जैसे कि ऑफिशियल बैटिंग ऑर्डर फाइनल टीम सारी चीजें यहीं पर आएंगी तो टेलीग्राम चैनल से आपका जुर्म होना बहुत जरूरी है पिच रिपोर्ट बिल्कुल सेम है जो मैंने आपको पहले दो मैच में बताई थी अब देखो परा पराडोमेंटर सीरीज जो है ना ये इनके आज के दिन का पहला मैच रहेगा पहला जो मुकाबला इनका साढ़े बारह बजे स्टार्ट होगा तो उस मैच से आपको बहुत सारी चीजें पता चल जाएंगी जैसे कि इनका प्लेइंग लाउंड क्या रहेगा क्या इनका बैटिंग ऑर्डर रहेगा तो ये सब चीजें आपको पहले मैच से पता चल जाएंगी ओपनिंग करते हैं हिमल रोंगड़ी मुस्फिकुर रहमान ओपनिंग कर सकते हैं ये मैं बता रहा हूँ क्लब लेवल के रिकॉर्ड के हिसाब से जो अभी खेल के आ रहे हैं लेकिन जो आज इनका पहला मैच होगा उससे आपको ऑफिशियली भी पता चल जाएगा सुल्तान अरीब जयंतो रेहान सोरावदी एम डी अनास अब्दुल्ला अल महमूद कमरुल उलशीर रुबेत मियाँ मोहम्मद अली अकबर और सैमिर जमान ये इनका प्लेंग लेवन रह सकता है लेकिन बाकी जो कन्फर्म प्लेंग लेवन इनका रहेगा वो पहले मैच में आपको पता चली जाएगा हिमेल रोंगड़ी जो है ये देखो टी खेल चुका है पाँच में बेहतर एक विकेट है नौ ओवर डाल के बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों चीजें कर लेता है टी ट्वेंटी में अपने क्लब के लिए तेरह मैच में तीन सौ पैंतालीस इक्कीस विकेट रिसेंट फॉर्म छब्बीस जीरो विकेट चार जीरो विकेट अट्ठाईस जीरो विकेट ग्यारह एक विकेट है खेलेगा तो इंपॉर्टेंट तो रहेगा मुस्फिकुर रहमान तेरह मैच में, में दो सौ दो दो विकेट है चौदह ओवर डाल के बस पहले मैच में आपको ये चीज देखना है जो साढ़े बारह बजे होगा ये बॉलिंग करवाता है नहीं करवाता सुल्तान अदीब सात मैच में एक सौ बासठ आठ विकेट है बीस ओवर डाल के ये मेरे हिसाब से ऑलराउंडर प्लेयर है बिल्कुल टीम में होना चाहिए आपके जयंतो पाँच वन में ग्यारह है टी ट्वेंटी में छः मैच में सड़सठ रिसेंट फॉर्म चार नौ बैटिंग नौ बैटिंग जीरो सात रेन है एक मैच में दो रन है यहाँ पर टी ट्वेंट में उर, टी ट्वेंटी में पाँच वन में ग्यारह पाँच विकेट है चौदह ओवर डाल के एम डी अन्नास तीन मैच में छः रन अगर यही प्लेंग लाइंड रहता है तो यहाँ से इम्पोर्टेंट हीमेल रोंगड़ी मुश्कुर रहमान और सुल्तान अरीफ ये तीन प्लेयर इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट जो प्लेयर है अब्दुल्ला अल महमूद ये बढ़िया बॉलर है आप देख सकते हो यहाँ पर दो हज़ार बाईस के अंदर देखोगे आप तो नौ मैच में छब्बीस रन चार विकेट है अठारह ओवर पूरे डाले थे मतलब विकेट थोड़े कम मिले थे लेकिन बॉलिंग पूरी करवाई थी इसने रिसेंट फॉर्म जीरो विकेट चार जीरो विकेट जीरो विकेट बारह जीरो विकेट चार जीरो विकेट है यहाँ पर कमरूल शकील तीन मैच में अड़तीस उन्नीस का एवरेज रुबेत मियाँ एक मैच में जीरो विकेट है एक ओवर डाल के टी में तीन मैच में एक विकेट है मोहम्मद अली अकबर सात मैच में चार विकेट है उन्नीस ओवर डाल के फिर यहाँ पर आएंगे सेमी जवान तीन मैच में चार विकेट है सात ओवर डाल के तो यहाँ से देखना पड़ेगा पहले मैच में किस किस को ये ज्यादा बोलिंग करवाते हैं फिलहाल के लिए यहाँ से अब्दुल्ला अल महमूद इम्पोर्टेंट रख रहा हूँ मैं बाकी बेंच के प्लेयर के स्टेट्स मैं आपको पहले मैच में बता चुका हूँ तो यहाँ पर मैं आपको बस स्टेट्स दिखा रहा हूँ कि अगर पहला जो इनका मैच होगा साढ़े बारह बजे उनमें से अगर कोई भी खेलता है तो यहाँ पर सबके स्टेट्स अवेलेबल हैं आप देख सकते हो एक एक प्लेयर के यहाँ पर मैंने स्टेट्स यहाँ पर दिए हुए जितना बड़ा इनका स्क्वाड है सबके स्टेट्स दिए हैं स्टार्टिंग ओर ए अल महमूद सुल्तान अरीफ और डेथ में भी यही आना चाहिए लेकिन बाकी अपन को जो पहला मैच होगा उससे स्टार्टिंग डेथ ओवर कौन डालेगा वो भी पता चल जाएगा अब देखो जो बात करेंगे दूसरी टीम पीसीसी की टीम की तो जो पीसीसी की टीम है इनकी तरफ से ओपनिंग करने चाहिए साबुन डावीसी आदित्य खाटीवाल फिर आएंगे अरुण अशोकन ऋतिक तोमर सुदेश रॉय समीरा मदुरंगा नवीन पद्मराजू समित पटेल रोहित देशमोहिनी राज यहाँ से गनाथीश्वरन और सुधीर ग्लेटसन और ये टीम ना भाई बहुत स्ट्रांग है तो इनके आपको ज्यादा से ज्यादा प्लेयर लेने हैं साबुन डावीजी बहुत अच्छा प्लेयर है 2024 के अंदर 10 टी में 207 सौ सात रन तीन विकेट ग्यारह ओवर डाल के बैटिंग के साथ अगर बॉलिंग करें ना साबुन डावीजी तो सबसे बेस्ट कैप्टनसी का चॉइस है रिसेंट फॉर्म पंद्रह जीरो विकेट जीरो चौवालीस एक विकेट तिरपन जीरो विकेट चालीस रन आदित्य खाटीवाल ये भी बहुत बढ़िया प्लेयर है आप देख सकते हो दो में पांच मैच में यहाँ पर अठहत्तर रन है रिसेंट फॉर्म तैतीस छह तेरह बीस छह हैं अरुण अशोकन अगर ये ऊपर बैटिंग करता है अरुण अशोकन तो ही इंपॉर्टेंट रहेगा दो हजार चौबीस में नौ मैच में अंठानवे बारह का एवरेज रिसेंट फॉर्म अठारह चार दो एक और यहाँ पर सत्रह रन है इनका रिसेंट फॉर्म की अगर बात करें यहाँ पे तो ऋतिक तोमर की बात करेंगे यहाँ पे ये बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग करता है बहुत अच्छा ये प्लेयर है आप देखो इसके नाम दो हजार चौबीस में छह मैच में तैतीस चार विकेट है ग्यारह ओवर डाल के रिसेंट फॉर्म जीरो जीरो विकेट बारह एक विकेट एक एक विकेट जीरो जीरो विकेट है सुदेश रॉय ये भी ऑलराउंडर का काम करता है ओवरऑल तो बयासी मैच में सत्रह सौ रन चौवन विकेट है दो हजार चौबीस में पांच मैच में चौसठ रन तीन विकेट है आठ ओवर डाल के रिसेंट फॉर्म तैतीस एक विकेट बारह जीरो विकेट जीरो जीरो विकेट चार जीरो विकेट है समीरा मदुरंगा विकेट टेकर बॉलर है इसके नाम अगर आप देखोगे तो बासठ मैच में बयालीस पचास विकेट है और दो हजार चौबीस में एक मैच में तीन विकेट है रिसेंट फॉर्म एक विकेट दो विकेट जीरो विकेट एक विकेट तीन विकेट है इंपोर्टेंट है साबुन डावी से इंपोर्टेंट है आदित्य खाटीवाल ऋतिक तोमर सुदेश रॉय समीरा मदुरंगा ये जो पांच प्लेयर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है पहले छह में से ये चीज आप ध्यान में रख के चलेगा नेक्स्ट जो प्लेयर है यहाँ पर नवीन पद्मराजू नवीन पद्मराजू की अगर बात करूं तो ये भी बॉलिंग करवाता है और अच्छी खासी बॉलिंग करवाता है इकतालीस मिनट में एक सौ विकेट ओवरऑल है और अगर आप देखोगे यहाँ पे तो दो में, में चार मैच में तीन विकेट है छह ओवर डाल के रिसेंट फॉर्म की बात कर लेते हैं जीरो विकेट तीन विकेट जीरो विकेट जीरो विकेट जीरो विकेट है फिर यहाँ पर आएंगे जो नेक्स्ट प्लेयर है समित पटेल इनके ओवर बहुत ज्यादा करते हैं दो में दो मैच में एक रन दो विकेट है रोहित देशमोइनी ग्यारह मैच में दस विकेट है पंद्रह ओवर डाल के रिसेंट फॉर्म नौ बैटिंग जीरो विकेट एक विकेट नौ बैटिंग जीरो विकेट है राज गण आठ मैच में बारह रन सुदेश ब्रैडसन पांच में डि नॉट बैट तो यहां से इम्पोर्टेंट कौन है नवीन पद्मराजू और रोहित देशमोहिनी दो इम्पोर्टेंट प्लेयर अपने लिए रहने वाले हैं बाकी जो बेंच पर प्लेयर है यहाँ पर आप देखोगे सुदीता उदुगले हैं 2023 में पांच मिनट में जीरो विकेट दो ओवर डाल के हिलाल अहमद पंद्रह मैच में एक रन प्रकाश सदाशिवन सिवन सात मैच में पैंतीस रन जीरो विकेट कोई खास रिकॉर्ड नहीं है आकाश वर्मा तैतीस टी टेन में यहाँ पर दो सौ छप्पन रन तेरह का एवरेज है फिर यहाँ पर नेक्स्ट प्लेयेगा सरन रामाकृष्णन दो हजार चौबीस में पांच मिन में पैसठ रन यहाँ से लक्ष्मी नारायण सेलवन ने सात मैच में चार विकेट है दस ओवर डाल के खेलेगा तो मेरे हिसाब से बॉलिंग करवाएगा लक्ष्मी नारायण सेलवन की बात करूँ तो केवीर मेहता इकतीस मिन में पंद्रह विकेट है ओवरऑल सतपाल वर्मा ओवरऑल नौ मैच में पंद्रह विकेट है जबकि टी में चार मैच में चार विकेट है दीपांकर पटेल यहाँ पर टी में आठ मैच में चार विकेट रवि कुमार सोलंकी पाँच मैच में दो विकेट डेविड सरन रामानी नौ मैच में तीन विकेट है चौदह ओवर डाल के और मीत ठाकर यहाँ पर ईस एस टी में तीन मैच में डिड नॉट बैठे है इसके अलावा अजीत कुमार यहाँ पर टी में दो मैच में डिड नॉट बैट जबकि क्लब के लिए सोलह टी में तीस रन बारह विकेट है फिर यहाँ पर आएंगे नेक्स्ट जो प्लेयर है कुणाल भारद्वाज दो मैच में चालीस रन और टी में सत्रह मैच में पाँच सौ अड़सठ है अगर खेलता है तो बहुत इंपॉर्टेंट रह सकता है सूर्य है में पर छियासठ रन सात विकेट है दस ओवर डाल के और अरविंद के नाम चार मैच में एक सौ छियालीस दो विकेट है बाकी दो प्लेयर के स्टेट नहीं है स्टार्टिंग ओवर डालने चाहिए रोहित देशमोहिनी और उनके बाद में यहाँ पर आने चाहिए नवीन पद्मराजू और डेथ में आने चाहिए ऋतिक तोमर और यहाँ पर सुदेश चौहार अब देखो एनालिसिस वाला पार्ट हो चुका है कंप्लीट चलेंगे डेमो टीम की तरफ उससे पहले आपका टेलीग्राम चैनल से जुड़ना जरूरी है टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में पहले कमेंट में टॉप पर पिन किया हुआ मिल जाएगा तो जल्दी से जाकर आपको टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लेना है फिलहाल के लिए डेमो टीम में मैंने विकेट कीपिंग सेक्शन से रखा है आदित्य खाटीवाल घाटीवाल रहमान यासिर से डाबीजी एस रॉय हीमेल रोंगड़ी ऋतिक तोमर पद्म राजू रोहित देशमोहिनी एस आरिफ मधुरंगा और अल अम महमूद कैप्टन डाबीजी वॉइस कैप्टन ऋतिक तोमर बाकी फाइनल टीम मिलेगी टेलीग्राम पे लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आप सबका धन्यवाद